तो आज हमने एक शॉर्ट सेल किया था बैंक निफ्टी में, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिला है। 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिला था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्राइस है इससे बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, क्योंकि बहुत टाइम लगा था ये ट्रेड को कम्प्लीट होने में, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम लगा था। लेकिन मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ ये 2 आवर्स का वीडियो मतलब पूरा एक्सप्लेन करने से पहले, स्टार्टिंग से पहले मैंने सिर्फ सोचा कि आपको इसका रीज़न ही बता दूंगा कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है, ठीक है। तो आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ। मैं एक छोटा वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ रीज़न और लॉजिक समझाऊंगा कि इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमें ये इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। और आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी भी नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के लॉजिक को देखने के लिए, इस ट्रेड के लॉजिक को देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिले, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ। ऑलराइट सो ट्रेडर्स, तो इस ट्रेड को लेने के पीछे का जो हमारा जो रीज़न था, ओके, मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 3 रीज़न देखे और ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया था मैंने इस ट्रेड को लेने के लिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्टली मैं ट्रायंगल पैटर्न जो होते हैं, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो होते हैं उसी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि 95% जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होते हैं वो सक्सेसफुल ही जाते हैं। वो इसके लिए मैं आपको और वीडियोज़ में समझाऊंगा कि कैसे ट्रायंगल पैटर्न को ढूंढते हैं, ओके, ट्रेड में, और उन पर ट्रेड कैसे करते हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ से कहाँ पर एंट्री करते हैं और कहाँ पर टारगेट सेट करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में बताऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और मैं सोचा कि आगे एक सीरीज भी बनाऊँ जिसमें मैं आपको समझाऊँ कि एग्जैक्टली क्या माइंडसेट होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल हम बात करने वाले हैं रीज़न की। तो ट्रेड लेने का सबसे पहला जो रीज़न था जो मैंने देखा, ये प्राइस यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर था। तो मैंने सबसे पहला जो रीज़न देखा वो था ये, यहाँ पर मैंने एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी और ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ठीक है। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पर आया, ओके, मैंने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है, ये ऐसा था यहाँ पर। हाँ, तो देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, यही हमारा सबसे पहला रीज़न था कि यहाँ पर ब्रेकडाउन है, और ब्रेकडाउन आने के बाद मैंने यहाँ पर एक रिटेस्ट करने का वेट करने वाला था, लेकिन मैंने इतना किया नहीं। मुझे लगा था यहाँ के यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ठीक है। तो वो हमारा रीज़न नंबर 2 है, मैं आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस जोन एग्जैक्टली कैसे दिख रहा था। देखिए, यहाँ पर एक ऐसे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था जहाँ से बैंक निफ्टी बार बार जिसको टच करके यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार, दूसरी बार भी हो गया, ओके, तीसरी बार भी यहाँ पर आया था। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस मैंने सेट किया था। देखिए, स्टॉप लॉस के बहुत करीब आया था ये, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी लोग जो ट्रेड करते हैं, जो भी ये स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करते हैं, वो खुद अपने ट्रेड्स पर खुद का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो उन लोग को पता होता है कि हम लोग का स्टॉप लॉस, हमारा उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, रिटेल ट्रेडर ने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो वो हंट करते हैं और वहाँ से सीधा नीचे का मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये था रीज़न नंबर 2। और थर्ड रीज़न जो था वो था यहाँ पे फीबो का, ठीक है। तो फीबो का रिट्रेसमेंट यहाँ पर ऐसे आ रहा था, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे यहाँ पर फीबो का रिट्रेसमेंट भी आ रहा था, ये ऐसे, ठीक है। तो मैंने देखा था यहाँ पर कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन दिखा रही थी, 0.382 का रिजेक्शन यहाँ से आ रहा था। तो मुझे लगा था कि प्राइस यहाँ से शार्प फॉल करेगी, बट उसने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर पहले सोचा था कि मैं यहाँ पर थोड़ा और प्राइस ऊपर आने का वेट करूँगा ताकि यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस अच्छा मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैंने उस ट्रेड को यहीं पर एग्जीक्यूट कर दिया था। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी,
फोमो हो जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसमें हमें लगता है कि अब यहाँ से प्राइस शॉर्ट शार्प फॉल करेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने बहुत अप डाउन, ये बहुत सारा ऐसा मूवमेंट दिखाया। और फाइनली ठीक है, हमने ये ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट 12:15 को, और हमारा ये टारगेट अचीव हुआ है 14:15 को। सो 2 आवर्स, तो इसमें बहुत पेशेंस लगता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको एक चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है, जो है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप शेयर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सीखना ज़रूरी है कि पेशेंस कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले हमें हमेशा प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ठीक है, हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, हमारी एंट्री कैसी होनी चाहिए। तो मैं आगे आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरह पे और कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, ठीक है, और स्टॉप लॉस कैसे सेट करना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो मिले। और ये जब मैंने ट्रेड लिया था, इस ट्रेड को मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मैंने इस स्क्रीन को ज़्यादा ज़्यादा देर तक नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे लॉस हुआ तो मुझे कितना होने वाला है, और अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो कितना होने वाला है। सो आई वॉज मैं बहुत ही इसमें बहुत स्ट्रेस नहीं लिया था मैंने, और मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट होने दिया, ठीक है। तो ये जो पैटर्न जो बना था, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मोस्टली प्लेस करना पड़ता है, और यहाँ पर रिटेस्ट पर यहाँ पर एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न, ये जो 3 रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और प्लान किया, और यहाँ पर हमारा टारगेट इजीली अचीव हो गया। और आप देख सकते हैं कि अगर आपने अगर प्रॉपर टारगेट आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस आपने रखा होता, तो आपको कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता। और आप देख सकते हैं कि जब एक मोमेंटम दिखाया, ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पूरा एग्जॉशन पीरियड था, यहाँ पर कुछ भी बड़े लोगों की एंट्री नहीं हुई थी, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी एंट्री हुई थी कुछ लोगों की, ठीक है। बट आप उसके बाद भी देख सकते हैं कि ये जब जब प्राइस ऐसे ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, वॉल्यूम बिल्कुल भी कम था, ठीक है। तो ये और एक कंफर्मेशन था जिस वजह से मुझे पता चला कि ये हमारा टारगेट अब इजीली अचीव होने ही वाला है। और यहाँ पर जाकर वो मोमेंटम हमें दिखाई दिया जहाँ पे बहुत बड़ी स्पाइक आई थी। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँ कि ये मोमेंटम जो था 315 पॉइंट्स का मोमेंटम था, जिसमें से हमने जो कैच किया था ऑलमोस्ट, हमने कैच किया है ऑलमोस्ट 200, आई वुड से 200 पॉइंट्स का हमने मोमेंटम यहाँ पे कैच किया है। तो आई होप ट्रेडर्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आने वाले फ्यूचर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे।